देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से कोर्ट से जो इस केस की अगुवाई मैंने कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट करेगा आपके चैनल के माध्यम से उससे मेरी यही दरख्वास्त है, जो घटना मेरे साथ घटी है ऐसे वो किसी के साथ ना घटी तो जो दरिंदा है इसको मैंने इसमें कोई किसी प्रकार की रियायत नहीं की जाए, और मैं ज़्यादा ये नहीं चाहूँगा कि मैंने कोर्ट इसमें ज़्यादा टाइम लगाए। इसमें टाइम लगाने की बात नहीं, अपना टाइम लगाएगा तो कोर्ट अपना समय बर्बाद करेगा ऐसे दरिंदों के लिए, उसको जल्द से जल्द फांसी दें। देखो जी, जो घटना हुई है पहली बात तो यह है, ये घटना एक मैंने बहुत निंदनीय है, इसकी मैंने ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई घटना हो जाएगी। प्रशासन ने भी पूरा सहयोग दिया, जितनी जो प्रशासन की तरफ से एसपी साहब भी आए, डीएसपी भी आए, पूरी तरह से प्रशासन पूरे गांव में चारों तरफ मुस्तैद था, और सबसे ज़्यादा योगदान इसमें मेरे गांव का ही रहा है। गांव वाले ने एकता दिखाई मिलजुल के, जो मैंने टेरी जो मैंने टिकरी थे जो जो बाहर की तरफ रास्ते से उस पर मुस्तैद रहे, गांव वाले ने बहुत कुछ योगदान दिया, ऐसी बात नहीं। प्रशासन का भी पूरा सहयोग है और गांव वाले का मैं बहुत आभारी हूँ जिसने मेरे इस दुख की घड़ी में बहुत ज़्यादा साथ दिया। जो वो आरोपी है वो आपके गांव से ही है? वो आरोपी तो वह है तो मेरे गांव का, देखो जी मैं कह नहीं सकता, वो मेरे गांव का है, वो मेरा पड़ोसी भी है और मेरे गांव का भी है। गिरफ्तार कर लिया गया उसे? हाँ, प्रशासन ने पता लगते ही उसको गिरफ्तार कर लिया। अब क्या चाहते हैं आप? ढूंढने में जी देखो जी था, साथ में था, रात को साथ में था, गुमराह करने की भी कोशिश की उसने। अच्छा, जहाँ पर मैंने सीसीटीवी फुटेज जहाँ से प्राप्त हुए थे वहाँ पर कोई मैंने तीन चार बंदे वहाँ पहले मुस्तैद थे टेरी मैंने टिकरी वो नाका के लिए, तो उसने वहाँ से उन बंदों को ट्रांसफ़र कराया कि यहाँ मैं रुकूँगा, कि उसका मकसद था जो सीसीटीवी वो फुटेज थे उनको डिलीट करने का। अच्छा, उसको इतनी मैंने डिलीट कर नहीं पाया, अगर कोशिश करी नहीं करी वो पता नहीं, मैंने उसका मकसद यही था कि उसको मैंने डिलीट किया जाए। तो क्या लगता है जैसे कई बार गुमशुदी के मामले आते हैं तो लोग बाहर ढूंढते हैं, तो कहीं कहीं यही कारण मानते हैं कि पूरा गांव ने भी मर दिखाया जैसे साथ के साथ, तो जल्दी उसका मतलब पता लग गया पूरा गांव। देखो जी, गांव वाले ने बहुत योगदान दिया, और सबसे ज़्यादा केस ये अपना आस पड़ोस में 80% अपने ही रिश्तेदार ले ले, अपना खुद भी हो सकता है, जिसकी बच्ची वो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मतलब जो अपने रिलेटेड हैं वही करते हैं, और बाहरी आदमी कोई किसी को पता नहीं होता। गांव के अंदर 7-8 हज़ार वोटों गांव में मेरा, कोई बाहर का आदमी के साथ बच्ची जाएगी पूछेगा कौन है कैसे है, और बच्ची इतने भी मतलब ना समझ नहीं थी कि वो बाहरी आदमी के साथ चलेगी। हाँ तो है। देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से कोर्ट से जो इस केस की अगुवाई मैंने कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट करेगा आपके चैनल के माध्यम से उससे मेरी यही दरख्वास्त है, जो घटना मेरे साथ घटी है ऐसे वो किसी के साथ ना घटी तो जो दरिंदा है इसको मैंने इसमें कोई किसी प्रकार की रियायत नहीं की जाए, और मैं ज़्यादा ये नहीं चाहूँगा कि मैंने कोर्ट इसमें ज़्यादा टाइम लगाए। इसमें टाइम लगाने की बात नहीं, अपना टाइम लगाएगा तो कोर्ट अपना समय बर्बाद करेगा ऐसे दरिंदों के लिए, उसको जल्द से जल्द फांसी दें। देखो जी, जो घटना हुई है पहली बात तो यह है, ये घटना एक मैंने बहुत निंदनीय है, इसकी मैंने ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसी कोई घटना हो जाएगी। प्रशासन ने भी पूरा सहयोग दिया, जितनी जो प्रशासन की तरफ से एसपी साहब भी आए, डीएसपी भी आए, पूरी तरह से प्रशासन पूरे गांव में चारों तरफ मुस्तैद था, और सबसे ज़्यादा योगदान इसमें मेरे गांव का ही रहा है। गांव वाले ने एकता दिखाई मिलजुल के, जो मैंने टेरी जो मैंने टिकरी थे जो जो बाहर की तरफ रास्ते से उस पर मुस्तैद रहे, गांव वाले ने बहुत कुछ योगदान दिया, ऐसी बात नहीं। प्रशासन का भी पूरा सहयोग है, और गांव वाले का मैं बहुत आभारी हूँ जिसने मेरे इस दुख की घड़ी में बहुत ज़्यादा
साथ दिया। जो वो आरोपी है वो आपके गांव से ही है? वो आरोपी तो वह है तो मेरे गांव का, देखो जी मैं कह नहीं सकता, वो मेरे गांव का है, वो मेरा पड़ोसी भी है और मेरे गांव का भी है। गिरफ्तार कर लिया गया उसे? हाँ, प्रशासन ने पता लगते ही उसको गिरफ्तार कर लिया। अब क्या चाहते हैं आप? ढूंढने में जी देखो जी था, साथ में था, रात को साथ में था, गुमराह करने की भी कोशिश की उसने। अच्छा, जहाँ पर मैंने सीसीटीवी फुटेज जहाँ से प्राप्त हुए थे वहाँ पर कोई, मैंने तीन चार बंदे वहाँ पहले मुस्तैद थे टेरी, मैंने टिकरी वो नाका के लिए, तो उसने वहाँ से उन बंदों को ट्रांसफ़र कराया कि यहाँ मैं रुकूँगा, कि उसका मकसद था जो सीसीटीवी वो फुटेज थे उनको डिलीट करने का। अच्छा, उसको इतनी मैंने डिलीट कर नहीं पाया, अगर कोशिश करी नहीं करी वो पता नहीं, मैंने उसका मकसद यही था कि उसको मैंने डिलीट किया जाए। तो क्या लगता है जैसे कई बार गुमशुदगी के मामले आते हैं तो लोग बाहर ढूंढते हैं, तो कहीं कहीं यही कारण मानते हैं कि पूरा गांव ने भी मर दिखाया जैसे साथ के साथ, तो जल्दी उसका मतलब पता लग गया पूरा गांव। देखो जी, गांव वाले ने बहुत योगदान दिया और सबसे ज़्यादा केस ये अपना आस पड़ोस में 80% अपने ही रिश्तेदार ले ले, अपना अपना खुद भी हो सकता है, जिसकी बच्ची हो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मतलब जो अपने रिलेटेड हैं वही करते हैं, और बाहरी आदमी कोई किसी को पता नहीं होता। गांव के अंदर 7-8 हज़ार बूटों गांव में मेरा, कोई बाहर का आदमी के साथ बच्ची जाएगी पूछेगा कौन है कैसे है, और बच्ची इतनी भी मतलब ना समझ नहीं थी कि वो बाहरी आदमी के साथ चलेगी। हाँ तो है।